फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सुंदर सा जगह शेयर करने वाली हूँ जो कि सिलीगुड़ी के एकदम पास में ही है। आप लोग अगर सिलीगुड़ी का बंगाल सफारी जो जगह है उसका नाम सुना है तो ये जगह उससे थोड़ा सा दूर है, मतलब 1 किलोमीटर सामने ही है। तो इसका जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये जो जगह है ये गुम्बा है, तो आप लोग देखिए बहुत ही सुंदर सा एक व्यू है। ये जो जगह है इसके सामने ही बंगाल सफारी का जो जंगल वो है और यहाँ पे आप सफारी भी कर सकते हो। और ये पूरा जो जगह है ये एक गुम्बा है, मतलब बौद्धिस्ट का एक टेंपल जो होता है तो वो जगह है। और यहाँ से पीछे पूरा हिल्स दिखता है, व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। पर अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी वेदर ऐसा नहीं है। आप अगर दिसंबर में आते हो या बारिश के टाइम पे आते हो तो आपको दिखाई देगा। और नॉर्मली आप देख सकते हो, मतलब कैमरा में इतना अच्छे से नहीं देख पाओगे। और ये यहाँ पीछे एक पिकनिक स्पॉट भी है और एक जंगल भी है, पीछे एक रिवर भी है छोटा सा, वो मैं कभी बाद में दिखा दूँगी या अगर अभी जाती हूँ तो मैं वो दिखा दूँगी। और शाम के टाइम पे यहाँ पे जो मोर का प्यारा सा एक आवाज़ आता है बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप लोग अगर सफारी करते हो, सफारी करने के बाद यहाँ आ सकते हो या फिर यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए भी आ सकते हो। और ये जो जगह है चलिए देखते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा इंट्रो इस मॉनेस्ट्री का। यहाँ पर ये मॉनेस्ट्री गुम्बा के नाम पे जाना जाता है जो सिलीगुड़ी से 15 किलोमीटर दूर बसा है। अगर आपको अच्छे से मैं अगर बताना चाहूँ तो जो रास्ता सिलीगुड़ी से गैंगटॉक की तरफ जाता है उस रास्ते से जाने के बाद एक मिलिट्री कैंप आता है, उसके बाद आता है बंगाल सफारी। तो बंगाल सफारी से इस यहाँ पर जाना पड़ता है। बंगाल सफारी के ठीक पीछे ही ये मॉनेस्ट्री वहाँ पे बसा हुआ है। लगभग आपका 2 या 2.5 किलोमीटर होगा, बट वहाँ पे कोई पब्लिक कार या बस नहीं चलता है। अगर आप जाना चाहते हो तो पूरा सिलीगुड़ी से ऑटो रिज़र्व करके जाना या बंगाल सफारी से आपको ऑटो रिज़र्व करके जाना पड़ेगा। जगह तो बहुत अच्छा है बट इतना शांत जगह है कि वहाँ पे गाड़ी उतना नहीं जाता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो अपना गाड़ी लेके जा सकते हो। अगर आप आपके पास अपना गाड़ी या बाइक नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा टोटो या सिटी ऑटो रिज़र्व करके। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, अभी आप जो बच्चे को देख रहे हो ये बच्चे इस मॉनेस्ट्री में ही रहते हैं। ये आपको जब आप वहाँ पर विज़िट करोगे तो आपको ये प्रसाद देगा। प्रसाद के रूप में आपको मैगी मिलेगा, चिप्स मिलेगा, केक मिलेगा, बिस्किट मिलेगा। ये बहुत प्यारा बच्चा है, इतना छोटा उम्र से ही अपने आप को समर्पित किया है इस मॉनेस्ट्री के सेवा के लिए, तो ये देख के अच्छा लगता है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि आप ये सब करके वहाँ पे जा सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा जगह है, अगर आप कुछ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पर तो आप ज़रूर जाना। बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री है ये, लगभग ये इतना बड़ा मॉनेस्ट्री मैंने अभी तक सिलीगुड़ी के सराउंडिंग एरिया में नहीं देखा। इतना बड़ा बड़ा जो आप मॉनेस्ट्री देख रहे हो ये लगभग आप नेपाल में या भूटान में देख पाओगे, बट ये जगह पे लगभग किसी को नहीं पता है कि इतना अच्छा सा एक मॉनेस्ट्री है। तो ये जो वीडियो है ये सिलीगुड़ी दर्शन में ही आता है। अगर आप सिलीगुड़ी में रुक रहे हो, एक दिन स्टे कर रहे हो या 2 दिन स्टे कर रहे हो, अगर आप पास आप कहाँ पे घूमना जाना चाहते हो या कहीं पे भी आप घूमने जाना चाहते हो तो बंगाल सफारी जाओ और उसी दिन ही आप यहाँ पे विज़िट करो। और एक चीज़ आपको बोलना मैं चाहूँगा, ये जो मॉनेस्ट्री है ये सुबह के 9 बजे से खुला रहता है और 5 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर जाते हो तो टाइम ज़रूर देख के जाना क्योंकि 5 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। कोशिश करना थोड़ा सुबह सुबह जाने के, यानी 9 बजे के बाद आप यहाँ पे जा सकते हो। और इसका अंदर में आपको जो बुद्ध, भगवान बुद्ध है उसका मूर्ति मिलेगा, वहाँ पे पूजा होता है। एक अलग ही एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे किया है। अगर आप जाते हो तो ज़रूर अंदर जाना,
आप अपने धड़कन की आवाज़ भी यहाँ पे सुन सकते हो। इन लोगों का जो पूजा होता है उस टाइम का, उसका एक फुटेज मैंने कैप्चर किया है, वो एकदम लास्ट में मैं दे दूंगा। वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं होगा, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख लेना, अभी नहीं, अभी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल में पहली बार आना आए हो तो सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आप लास्ट में जाके देख लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा सा एक कैसा लगा? पेंटिंग है, बहुत अच्छा जगह है, अच्छा लगा, शांति है एकदम ना, बहुत सुकून, पीसफुल जगह है। तो बात कर रहे थे पेंटिंग की, ऐसा पेंटिंग तो अगर आप कोई भी मॉनेस्ट्री में जाओ या नेपाल में जाओ तभी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे भी आके आप इतना अच्छा एक पेंटिंग देख सकते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये पेंटिंग, अगर आप या अगर असल में आप सामने से देखोगे ना तो आप देखते ही रह जाओगे। इन लोगों का जो कारीगरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये बहुत ही शांत और एकांत जगह है। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो बिल्कुल भी हल्ला मत करना, चुपचाप यहाँ पे रहना, टाइम स्पेंड करना। आप फ़ोटो खींच सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो खींचने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे कोई ड्रेस कोड भी नहीं है, आप कोई भी कपड़ा या ड्रेस पहन के यहाँ पे जा सकते हो, यानी जीन्स, टी शर्ट, कुर्ती, साड़ी, अगर आप लड़की हो तो आप ये सब पहन के जा सकते हो, यानी आप लड़का लड़की कोई भी हो, ड्रेस का कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ये पेयरिंग रोल बोलते हैं, यहाँ पे यहाँ का जो मंत्र होता है, ये मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ होता है, आपको इसको घुमाना पड़ता है। आप अगर पूरा राउंड करोगे तो 1000 बार आप ये जो मंत्र होता है ओम मणि पद्मे ओम, उसको आप घुमा पाओगे, और उस टाइम में आप जो भी प्रे करते हो, ये लोग कहते हैं कि ये प्रे सक्सेस। संडे पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि संडे सबका छुट्टी होता है। अगर आप दूसरे कोई भी दिन आते हो तो आपको इतना भीड़ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे कितना सुंदर ये लोग गार्डनिंग किया है। आपके जानकारी के लिए एक चीज़ बोलना चाहेंगे, ये जो आप गार्डनिंग देख रहे हो यहाँ मॉन्ग है, ये खुद करते हैं, जो बच्चे हो वो यहाँ पे पूछते हैं, जो यहाँ पे दिखते वही लोग यहाँ पे साथ ही करते हैं और एकदम साफ सुथरा रखता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप जाते हो तो प्लीज़ यहाँ पे आप आर्ट की कोई चीज़ खा सकते हो, बट उसको आप पी हुई इधर उधर मत फेंकना। यहाँ पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा, आप प्रॉपर डस्टबिन में ही फेंकना उसको, क्योंकि साफ जगह को गंद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप हमेशा इसको साफ ही रखना। और ये बौद्धिक मंदिर है, तो जैसे हम अपने मंदिर को पूजते हैं
रिस्पेक्ट करते हैं वैसा इनको ही करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अभी हम लोग बहुत पहले तो यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे एक कैंटीन है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैंटीन में क्या क्या मिलेगा। और एक चीज़ को आपको बोल देते, हमने एक चीज़ मिस कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे वॉशरूम या टॉयलेट है कि नहीं मुझे पता नहीं है। अगर हम लोग सेकंड टाइम जाते हैं तो ज़रूर और एक वीडियो बनाएंगे और आपको प्रॉपर फीडबैक दे देंगे, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को ऑल करना पड़ेगा। तो अंदर जाते ही आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगा। हम लोग जिस टाइम में गए थे यानी कुछ दिन पहले ही, बहुत ज़्यादा गर्म था, तो आप यहाँ पे आके कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हो, चॉकलेट्स ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा गिफ्ट भी आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे पेन्स है, बुक्स है और भी बहुत कुछ मैंने देखा यहाँ पे, साथ ही साथ मैगी वाई काफ़ी कुछ सामान है। और कैंटीन में आप चाय भी पी सकते हो, या का आप थुप्पा ट्राई करना, आपको नूडल्स मिल जाएगा, टाइपो मिल जाएगा, बहुत अच्छा एक जगह है ये। आप यहाँ पे अगर सुबह आते हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे खाना और पीना सब कुछ कर सकते हो, बट टॉयलेट का पता नहीं है। अगर पता चलता है तो नीचे जो कमेंट है उसमें मैं पिंग कर दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा। तो जगह हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अच्छा लगा। और अभी तो वेदर उतना साफ नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा फॉगी वेदर था, थोड़ा बादल था। अगर आप जून जुलाई में आते हो जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद आपको पता होगा कि आसमान साफ़ हो जाता है, उस टाइम में ये जगह आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा क्योंकि तब पौधे भी ताज़ा दिखते हैं और इसके पीछे जो मंदिर है वो भी धूल चला जाता है और साफ दिखता है, तो आपको ये अच्छा दिखेगा। और साथ ही साथ पहाड़ भी इसके पीछे है, पहाड़ भी आपको दिख जाएगा। और ये जो जगह है ना, ये एकदम आप बोल सकते हो ओपन फॉरेस्ट के पास में ही है, क्योंकि पीछे एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है बैकुंठपुर फॉरेस्ट। पिकनिक स्पॉट भी यहाँ पे होता है, बट अच्छा जगह में अगर एक लफ्ज में बोलूँ तो बहुत अच्छा जगह है। अगर आप यहाँ पे अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में आते हो तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट व्यू देखने को मिलेगा। तो हमने इस पूरे जगह का एक चक्कर लगाया, ये बहुत बड़ा एक जगह लेके बना हुआ है ये मॉनेस्ट्री। और अभी आप जो ये येलो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ का जो मॉन्ग है वो यहीं पे रहता है। तो अगर आप पीछे जाते हो मॉनेस्ट्री का, प्लीज़ यहाँ पे ज़्यादा शोर मत मचाना क्योंकि ये ज़्यादा जगह बहुत ही ज़्यादा शांत है और ये लोग शांति पसंद करता है। तो अगर ग्रुप में जाते हो तो ज़्यादा हल्ला मत करना, शोर मत करना, धीरे धीरे आप घूमना, फोटोग्राफी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन लोग